प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर रविवार को हुए वोटिंग में पूरे देश की निगाहें अटकी है। वोटिंग से पहले तक गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी अपनी जीत तय मानकर चल रही थी, क्योंकि यह सीएम योगी की कर्मभूमि है, लेकिन कम वोटिंग से पार्टी सकते में। वहीं फूलपुर संसदीय सीट को लेकर बीजेपी को पहले से ही बसपा समर्थित सपा उम्मीदवार से कड़ा मुकाबला दिख रहा है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं 23 साल पुरानी दुश्मनी को भूलकर दोस्ती का हाथ मिलाने वाले सपा बसपा की सांसें भी रुकी हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव को 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। फूलपुर और गोरखपुर दोनों संसदीय सीटों पर रविवार को मतदान हुआ। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नतीजे 14 मार्च को आएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग काफी कम हुई है। 2014 लोकसभा चुनाव की तुलना में गोरखपुर में 7.24% और फूलपुर में 12.4% वोटिंग कम हुई है। दोनों सीटों पर विकास के मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं नहीं दिखे। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर धर्म के नाम पर जनता ने वोट दिया होगा तो बीजेपी की जीत निश्चित है, और जाति के नाम पर वोट दिया होगा तो सपा की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।